हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुंज विथ यशके। तो आपका जो है हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बुक एंड ऑथर्स। तो यहाँ पे 2021 के बुक एंड ऑथर्स जितने भी हैं मार्च से लेकर जुलाई तक, वो मैंने करवाया है और इसमें टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो इसके जो लेखक हैं, ये लेखक हैं अनिंद दत्ता। तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन है? अनिंद दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्टेट ऑफ टेरर। स्टेट ऑफ टेरर के जो लेखक हैं वो हैं लुइस पेनी एंड हिलेरी क्विल्टन। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ टेरर के लेखक हैं लुइस पेनी एंड हिलेरी क्विल्टन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हिलेरी क्विल्टन के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रावणी बासु। तो हिलेरी क्विल्टन के जो लेखक हैं वो हैं श्रावणी बासु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बाइडन अमेरिकन ड्रीम के जो लेखक हैं वो कौन है? तो जो बाइडन आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के इस टाइम राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिकन ड्रीम के जो बाइडन अमेरिकन ड्रीम के लेखक हैं वो हैं इवान ओस्नोस। तो इसके लेखक कौन है? इवान ओस्नोस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर फाइव बैटल ग्राउंड्स। इसके जो लेखक हैं वो हैं राजीव मल्होत्रा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर फाइव बैटल ग्राउंड्स के लेखक हैं राजीव मल्होत्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। तो द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के लेखक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसके लेखक जो हैं वो हैं अनंत विजय। तो यहाँ पे डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ के जो लेखक हैं वो कौन है? अनंत विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है करुणा निधि ए लाइफ के लेखक कौन है? तो करुणा निधि ए लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं यहाँ पे एस पनीरसेल्वम जो हैं वो हैं करुणा निधि ए लाइफ के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बाज इन कम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कम्प्लीट वुमेन के लेखक कौन है? तो ये जो है ये हैं सुष्मिता मुखर्जी। तो यहाँ पे बाज इन कम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कम्प्लीट वुमेन के जो लेखक हैं वो हैं सुष्मिता मुखर्जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस विथ ए फेट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा के लेखक कौन है? तो प्रिंस विथ ए फेट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा के जो लेखक हैं वो हैं शोभा थरूर श्रीनिवासन। तो यहाँ पे प्रिंस विद ए फेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा के जो लेखक हैं वो कौन है? शोभा थरूर श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे डाउन अंडर द डोम के लेखक कौन है? तो डाउन अंडर द डोम के जो लेखक हैं आर्किडा मुखर्जी के सहयोग से जो है स्वाति पांडे, मतलब आर्किडा मुखर्जी के सहयोग से स्वाति पांडे ने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इन बॉम्बे के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं लेखक उषा ठक्कर और संध्या मेहता। इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा है, लेखक उषा ठक्कर और संध्या मेहता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार फ्रॉम 1972 से 2020 के जो लेखक हैं वो हैं अर्जुन सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे अर्जुन सुब्रमण्यम जो हैं इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत जो है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी के लेखक हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर के लेखक कौन है? ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर एम रामचंद्रन। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर के लेखक डॉक्टर एम रामचंद्रन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंडियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं नामित अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आई एम मलाला द स्टोरी ऑफ द गर्ल हु स्टार्ट ऑफ
फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉर्ट बॉय तालिबान, इसके लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे इसके लेखक जो हैं वो हैं मलाला यूसुफ़ज़ई। तो आई एम मलाला द स्टोरी ऑफ द गर्ल हु स्टार्ट ऑफ फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉर्ट बॉय तालिबान के जो लेखक हैं वो हैं मलाला यूसुफ़ज़ई। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्प्ररी चैलेंजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फॉर्म्स इनकम के लेखक कौन है? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्प्ररी चैलेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फॉर्म्स इनकम के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर मोहन कांडा। तो यहाँ पे डॉक्टर मोहन कांडा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग सुपारी पालन के लेखक कौन है? तो सुपारी पालन के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जोशी। तो यहाँ पे सुपारी पालन के लेखक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे विजडम फॉर स्टार्टअप्स फॉर्म ग्रोन ऑफ डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेद के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आर गोपाल कृष्ण और आर नारायणन। तो यहाँ पे विजडम फॉर स्टार्टअप्स फॉर्म ग्रोन ऑफ डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेद के जो लेखक हैं वो हैं आर गोपाल कृष्ण और आर नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सिनेमा थ्रू रस ए ट्राइस्ट विथ मास्टर पीस इन द लाइट ऑफ रस सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रचंड प्रवीर। तो सिनेमा थ्रू रस ए ट्राइस्ट विद मास्टर पीस इन द लाइट ऑफ रस सिद्धांत के जो लेखक हैं वो हैं प्रचंड प्रवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नीली मरानी माई मदर माई हीरो के लेखक कौन है? तो यहाँ पे माई मदर माई हीरो के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर अच्युता समंता। तो नीली मरानी माई मदर माई हीरो के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर अच्युता समंता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है यहाँ पे एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो ये जो है नरेंद्र मोदी। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको नरेंद्र मोदी ने लिखा है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जाम वॉरियर्स के जो लेखक हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर के जो लेखक हैं वो हैं यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा इतिहास के लेखक कौन है? तो वह हैं डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। तो उड़ीसा इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इंडियाज पावर एलिट क्लास कास्ट एंड ए कल्चरल रेवोल्यूशन। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं संजय बालू। तो यहाँ पे इंडियाज फॉर एलिट क्लास कास्ट एंड ए कल्चरल रेवोल्यूशन के जो लेखक हैं वो हैं संजय बारू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? तो ये जो है नितिन अनंत गोखले, इसके लेखक कौन है? नितिन अनंत गोखले। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के लेखक कौन है? तो ये जो है ये लिखे हैं सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चार पुस्तकें, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं किशोर मकवाना। और ये चार पुस्तकें मतलब कौन कौन है? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चार पुस्तकें जो है वो किसने लिखा है? किशोर मकवाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बींग गांधी के लेखक कौन है? तो बींग गांधी के जो लेखक हैं वो हैं पारो आनंद। तो यहाँ पे बींग गांधी के लेखक पारो आनंद है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? तो ये हैं जेके रावलिंग। तो यहाँ पे द क्रिसमस पिक के लेखक हैं वो हैं जेके रावलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वाल्डर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पैगी मोहन। नेक्स्ट पे अब हम लोग आते हैं यहाँ पे द कॉस्ट इनहेरिटेंस के लेखक कौन है? तो ये हैं सुतापा बसु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिविंग माउंटेन ए फैबल
फॉर आवर टाइम्स इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमिताभ घोष. द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स के लेखक जो है वो कौन है? अमिताभ घोष. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रेटिंग पॉलिटिक्स सिचुएटेड नॉलेज इंडिया एंड द रुडोल्फ लिगेंसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन एच वेरी जेंट और कमल सादिक. तो यहाँ पे इंटरप्रेटिंग पॉलिटिक्स सिचुएटेड नॉलेज इंडिया एंड द रुडोल्फ लिगेंसी के जो लेखक हैं वह हैं जॉन एच वेरी जेंट और कमल सादिक. तो इसके लेखक कौन है? जॉन एच वेरी जेंट और कमल सादिक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं. क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एड ऑल के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं जलवायु कार्यकर्ता लेखक आकाश रानी सन. तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल के जो लेखक हैं वो हैं आकाश रानी सन और एक क्या है? जलवायु कार्यकर्ता हैं. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंच के लेखक कौन है? तो द बेंच के जो लेखक हैं वो है मेघन मार्कल. यहाँ पे द बेंच के लेखक मेघन मार्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग. अनदर इज एन स्टोरी अनदर इज एन स्टोरीज के जो लेखक हैं वो है सत्यजीत रे. तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी के जो लेखक हैं वो हैं दीप हल्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एलिफेंट के लेखक कौन है? तो एलिफेंट के जो लेखक हैं वो हैं पॉल पिकरिंग. यहाँ पे एलिफेंट के लेखक पॉल पिकरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है सकुर राथर हैं. तो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक जो है सकुर राथर हैं. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है बोरिया मजुमदार और गौतम भट्टाचार्य हैं. तो यहाँ पे 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस के जो लेखक हैं वो कौन है? बोरिया मजुमदार और गौतम भट्टाचार्य. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो ये हैं रॉस्किन बॉन्ड. यहाँ पे ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन के जो लेखक हैं वो हैं रॉस्किन बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे एलिफेंट इन द वाम्ब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं कल्कि कोचलिन हैं. तो एलिफेंट इन द वाम्ब के जो लेखक हैं वो हैं कल्कि कोचलिन. नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्लारा एंड द सन नॉवेल इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कजुओ इशिगुरो. यहाँ पे कजुओ इशिगुरो जो हैं वो हैं क्लारा एंड द सन नॉवेल के लेखक. नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू एंड अलायंस इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रीत मोहन सिंह. सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू एंड अलायंस के जो लेखक हैं वो हैं प्रीत मोहन सिंह. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बुद्धा इन गंधार इसके लेखक कौन है? तो बुद्धा इन गंधार के जो लेखक हैं वो हैं सुनीता द्विवेदी. तो यहाँ पे बुद्धा इन गंधार के जो लेखक हैं वो कौन है? सुनीता द्विवेदी. नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे द स्पिरिचुअल सीईओ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं द स्पिरिचुअल सीईओ के जो लेखक हैं वो हैं एस प्रकाश. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सच कहूँ तो के लेखक कौन है? तो ये जो हैं ये हैं नीना गुप्ता. तो यहाँ पे सच कहूँ तो के लेखक हैं नीना गुप्ता. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेवन लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आदित्य गुप्ता. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रवि शास्त्री. स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं रवि शास्त्री. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिट्स द पास्ट प्रेजेंट इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं शिवशंकर मेमन. तो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के जो लेखक हैं वो हैं शिवशंकर मेमन. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. सावरकर एक कॉन्टेस्टेंट लीगेंसी के लेखक कौन है?
यहाँ पे सावरकर एक कंटेस्टेंट लीगेंसी 1924 टू 1966 के जो लेखक है वो कौन है, विक्रम संपत। तो यहाँ पे विक्रम संपत जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ऑल यू नीड इज जोस के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सुप्रिया पॉल। ऑल यू नीड इज जोस के जो लेखक है वो है सुप्रिया पॉल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑल रोड्स लीड नॉर्थ इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो है अमीश राज मुलमी और नेपाली लेखक। यहाँ पे अमीश राज मुलमी और नेपाली लेखक जो है ऑल रोड्स लीड नॉर्थ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020 के जो लेखक है वो कौन है, वो है सलमान रुश्दी। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020 के जो लेखक है वो कौन है, सलमान रुश्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, स्किल इट किल इट इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रानी स्क्रू वाला। तो स्किल इट किल इट के लेखक जो है रानी स्क्रू वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे, तियान मेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट इसके लेखक कौन है, तियान मेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो हैं पूर्व भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले। तो यहाँ पे तियान मेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट के जो लेखक हैं वो हैं विजय गोखले, जो कि पूर्व भारतीय विदेश सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो वह हैं अमर्त्य सेन। क्या है, अमर्त्य सेन है जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है, अमर्त्य सेन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स के लेखक कौन है, तो वह हैं विष्णुपद सेठी। यहाँ पे बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स के जो लेखक हैं वो हैं विष्णुपद सेठी सेठी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द नट मेक्स क्रस पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस इसके लेखक कौन है, तो द नट मेक्स क्रस पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस के जो लेखक हैं वो हैं अमिताभ घोष। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, मॉक इन ए मर्क इसके लेखक कौन है, मॉक इन ए मर्क के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर अशोक पंगड़िया। तो यहाँ पे डॉक्टर अशोक पंगड़िया जो है मॉक इन ए मर्क के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द सेवन सिंस ऑफ बींग ए मदर, द सेवन सिंस ऑफ बींग ए मदर के जो लेखक हैं वो हैं ताहिरा कश्यप खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बिल, बिल के लेखक कौन है, बिल स्मिथ, तो बिल के लेखक कौन है, बिल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई जॉयज एंड सरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड के लेखक कौन है, तो माई जॉयज एंड सरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड के जो लेखक हैं वह हैं किशरा सक्सेना। यहाँ पे किशरा सक्सेना जो हैं इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे, इनो मलीज इन लॉ एंड जस्टिस के जो लेखक हैं वह हैं आर वी रविंद्रन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रोइंग ऑफ बाइडन इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं वैलेरी बाइडन ओवेन। ग्रोइंग ऑफ बाइडन के जो लेखक हैं वह हैं वैलेरी बाइडन ओवेन, जो कि जो बाइडन की सिस्टर है, उन्होंने ये बुक लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द स्टार्टअप वाइफ, द स्टार्टअप वाइफ के लेखक कौन है, तो द स्टार्टअप वाइफ के जो लेखक है वो है तहमीमा अनम। तो तहमीमा अनम जो है द स्टार्टअप वाइफ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड व्हाट, यहाँ पे व्हाट होगा, व्हाट इज फेरा कॉन्शियसनेस, इस दोनों के लेखक कौन है, तो ये दोनों के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर विपिन गुप्ता। तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस और व्हाट इज फेरा कॉन्शियसनेस के लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर विपिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है, तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पे इट्स अ वंडरफुल लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी इसके लेखक कौन है, तो फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी जो है इसके लेखक हैं
पत्रकार संदीप मिश्रा है। तो यहाँ पे संदीप मिश्रा हैं जो कि पेशे से पत्रकार हैं। तो यहाँ पे फिर शली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के जो लेखक हैं वो हैं पत्रकार संदीप मिश्रा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो है जनक सूत सर्वे। तो जनक सूत सर्वे के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। तो यहाँ पे डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा जो है वो जनक सूत सर्वे के लेखक हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। तो द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के जो लेखक हैं वो हैं अशोक चक्रवर्ती। तो यहाँ पे जो अशोक चक्रवर्ती हैं वो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असेसिन। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं धवल कुलकर्णी। तो नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असेसिन के जो लेखक हैं वो हैं धवल कुलकर्णी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ट्रू द रेस्क्यू के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं पत्रकार सुशांत सिंह और बाल पुस्तक लेखक श्रुति राव। तो इंडिया ट्रू द रेस्क्यू के लेखक जो हैं पत्रकार सुशांत सिंह और बाल पुस्तक लेखक श्रुति राव हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के लेखक कौन है। तो यहाँ पे लेखिका हैं आरती मुथन्ना सी और ममता नैनी। तो एक्स की जो लेखिका हैं वो हैं आरती मुथन्ना सी और ममता नैनी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन खुखरी द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द इंडियन आर्मीज मोस्ट सक्सेसफुल मिशन एज ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे ऑपरेशन खुखरी द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द इंडियन आर्मीज मोस्ट सक्सेसफुल मिशन एज ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं राजपाल पुनिया और उनकी जो बेटी हैं दामिनी पुनिया, ये दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी के जो लेखक हैं वो हैं कौशिक बसु। तो यहाँ पे कौशिक बसु जो है इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है। तो इसकी जो लेखिका है वो है कविता राव। तो इसको किसने लिखा है, कविता राव ने लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे पल्लेकु पट्टाभिषेकम इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं एल मांचली शिवाजी। तो इसके लेखक कौन है, एल मांचली शिवाजी। तो पल्लेकु पट्टाभिषेकम के जो लेखक हैं एल मांचली शिवाजी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए न्यू कोल्ड वार हेनरी किसिंजर एंड द राइज ऑफ चाइना के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं संजय बारू और राहुल शर्मा। तो ए न्यू कोल्ड वार हेनरी किसिंजर एंड द राइज ऑफ चाइना के जो लेखक हैं वो हैं संजय बारू और राहुल शर्मा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरेस गार्डन मिड्डे थोठा के लेखक कौन है। तो टेरेस गार्डन मिड्डे तोठा का जो है उसका अनुवाद किया गया है और वो किया गया है कोडरू सीताराम प्रसाद के द्वारा। यहाँ पे कोडरू सीताराम प्रसाद के द्वारा जो है टेरेस गार्डन मिड्डे थोठा का अनुवाद किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। तो द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं विजय केशव गोखले। तो यहाँ पे विजय केशव गोखले जो हैं इसके लेखक हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं इम्तियाज अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं तो इसको एक समूह ने मतलब ग्रुप में एक कमला हैरिस को अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनाने के लिए ग्रुप में भारतीय अमेरिकियों विद्वानों राजनयिकों और उद्यमियों का एक समूह इसे लिखा है। तो यहाँ पे इसके जो लेखक हैं वो हैं भारतीय अमेरिकी और विद्वानों राजनयिकों और उद्यमियों का एक समूह ने मिलकर इसको लिखा है, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डक्कन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जे एस इफ्तेखार। तो यहाँ पे
उर्दू पोएट्स एंड राइटर जेम्स ऑफ दक्कन के जो लेखक हैं वो हैं जेएस इफ्तिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंडिया वर्सेज चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं कांति वाजपेयी। इंडिया वर्सेज चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स के लेखक कांति वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्पेस लाइफ मैटर, स्पेस लाइफ मैटर के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं हरि पुल्लकट। यहाँ पे हरि पुल्लकट जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है खेमलता बखलू। तो एक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स के जो लेखक हैं खेमलता बखलू हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं अर्जेंटीना के लुसियानो वर्निक। तो द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज के लेखक जो हैं अर्जेंटीना के लुसियानो वर्निक। नेक्स्ट आप हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स, शिफ्टिंग ऑर्बिट्स के लेखक कौन है। तो ये हैं अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। तो शिफ्टिंग ऑर्बिट्स को अमिताभ कांत ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक विथ ए सोल इक्विटॉस के लेखक कौन है। तो वो है सी के गरियाले। बैंक विथ ए सोल इक्विटॉस के जो लेखक हैं वो हैं सी के गरियाले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कश्मीरी की क्यारी में आग की लपटें आखिर कब तक। तो यहाँ पे इसकी जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर बीना बुटकी। कश्मीरी की क्यारी में आग की लपटें कब आखिर कब तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर बीना बुटकी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेन गेट्स बॉर्न इन द यूएसए के लेखक कौन है। इसके जो लेखक हैं बराक ओबामा और अमेरिकी संगीतकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने। तो इसको किसने लिखा है बराक ओबामा और अमेरिकी संगीतकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अशोक लवासा। तो एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक हैं अशोक लवासा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे व्हाई वी नील हाउ वी राइज के लेखक कौन है। व्हाई वी नील हाउ वी राइज के लेखक कौन है। तो ये हैं माइकल होल्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे द इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर बिमल जलान जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर और संसद भी रह चुके हैं। तो द इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर बिमल जलान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ओवर इट हाउ टू फेस लाइक्स हर्डल्स विथ ग्रिट हसल एंड ग्रेस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अमेरिकी ओलंपियन ट्रैक एंड फील्ड और बोबरेल एथलीट लोरी लुसान। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अमेरिकी ओलंपियन ट्रैक एंड फील्ड और बोबरेल और एथलीट लोरी सुसान लेखक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल। तो इसको लिखा है करीना कपूर खान ने। तो इन्होंने खुद करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल को लिखा है। तो ये जो है टॉप 100 क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। और तब तक के लिए बाय। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।